जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से संबंधित सिम्टम्स है, जैसे कि सर्दी लगना, नाक से पानी आना, हल्की खांसी होना, आंखों से पानी आना, बुखार लगना, थकान होना और बॉडी में पेन होना, बॉडी एक होना। तो ये जो चीज़ है ये पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रही है ये। तो इसमें कुछ जब ज़्यादा इसका जब बीमारी का जब असर हो जाता है तो फिर क्या है कि लंग्स को प्रभावित कर देती है। तो लंग्स को प्रभावित करेगी तो फिर ब्रीदिंग लेने में बड़ी डिफिकल्टी होगी और सांस रह रह करके या एक शॉर्ट टर्म एक ब्रेक लगता है उसी हिसाब से उसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया हो जाती है। तो कई बार जब ज़्यादा हो जाता है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर उसके बाद में जब रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ही जब कोलेप्स हो जाएगा तो फिर डेथ होना स्वाभाविक है। यहाँ पे जो भी एक सामान्य जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार वाले जो लक्षण अगर आ रहे हैं आजकल आ रहे हैं तो फिर उसको पहले से ही थोड़ा सा एक चेतावनी के रूप में देखते हुए और इसकी एक प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन्स वगैरह जो हालांकि हमारे आयुर्वेद में तो बहुत सारी मेडिसिन बताई गई है जो हमारे इस पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सही करने के लिए और साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन्स होती है, जैसे कि गिलोय घनवट्टी है, आयुष 64 एक टेबलेट आती है और सन्समनी वटी आती है जिसमें गिलोय का ही समावेश रहता है उसमें, और कुछ सडंग पानी नाम से एक वो रहता है। तो ये चीज़ें तो रहती रहती है, इसमें मुस्तक, प्रपटक, उसीर, चंदन, उदीच्य, नागर, ये 6 चीज़ों का मिश्रण अपन क्वाथ करके और उसको आधा हो जाए तो उसके में उस घूंट घूंट करके थोड़ी थोड़ी देर में पीना चाहिए। उससे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल हाइजेनिक कंडीशन में रहेगा। दूसरा कुछ घरेलू औषधियाँ होती है जैसे त्रिकटू चूर्ण है, तुलसी के पत्ते हैं, लौंग है, काली मिर्च है, इस प्रकार की चीज़ों का हम थोड़ी थोड़ी देर बाद में क्वाथ के रूप में अपन प्रयोग कर सकते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो ये जो कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिलता है उसमें। और जैसे कि ये कोरोना वायरस का जो चला आ रहा है हमारे आयुर्वेद में भी इसमें कुछ त्रिभुवन कीर्ति रस वगैरह है, ये भी इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। कफ काल भी है, ये कफ वृद्धि होती है, वसंत ऋतु है तो इसमें कफ जनित रोग ज़्यादा होते हैं और कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स वो कफ जनित रोगों से मिलते जुलते ही हैं। वो भी लक्षण समूह जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं कफ से या श्लेष्मा जनित जो सिम्टम्स होते हैं ये। तो ये इसको क्या है कि थोड़ी सावधानी ज़्यादा जरूरत जरूरत है इसकी। सावधानी क्या है कि एक तो पूरी तरह से पर्सनल हाइजीन बिल्कुल बनाए रखे, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखे, बार बार कहीं भी कोई सरफेस को छुआ है आपने तो आप उसको अच्छे से डिटॉल से या साबुन से हाथ को दिन में 5-7 बार तो धोना ही चाहिए, बार 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 धोना चाहिए। और कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा मास्क का प्रयोग करके फिर जाएँ। और बाहर की जो चीज़ें हैं जंक फूड है, फास्ट फूड वगैरह है वो बिल्कुल वो लेना ही नहीं चाहिए, उनसे बचें। घर पे बना हुआ स्वच्छ तरीके से बना हुआ जो रहता है आहार, घर के बना हुआ आहार का सेवन करें। और दूसरा कि जो भी हम हमारे स्वस्थ जीवन शैली को चलाने वाली जो चीज़ें हैं जैसे ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या, समय पे सोना, समय पे जगना, समय के साथ आहार विहार करना और संतुलित आहार करना खासतौर से। अगर संतुलित आहार हमारा रहेगा और बाजार के खाने की चीज़ों से बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो व्याधिक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी है वो मजबूत होगी। और हमारे आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि जब तक हमारी जो व्याधिक क्षमता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तब तक कोई जीवाणु, वायरस वगैरह, कीटाणु वगैरह कोई बॉडी पे प्रभाव नहीं करते, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो हमारा त्रिदोषों से शरीर बना हुआ है, 5 भौतिक और त्रिदोषों से। तो जहाँ हमारे दोषों जब त्रिदोष है वात, पित्त, कफ, ये जब तक सम अवस्था में रहते हैं तब तक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। किसी भी तरह का कुछ वेदर चेंजिंग का, जैसे कि ऋतु संधि बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में, एक ऋतु संधि शब्द आता है जिसमें एक ऋतु जा रही होती है, खत्म हो रही हो और दूसरी ऋतु का आगमन होता है, तो वो जो संक्रमण काल होता है ऋतु संधि का जिसे संधि बोलते हैं, उसमें वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो उसी जो जब थोड़ी सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुकूल वातावरण पा करके कीटाणु या विषाणु या वायरस, बैक्टीरिया जो बोलते हैं हम, जीवाणु वगैरह, वो कमजोर काया में वो अटैक कर देते हैं, वो तब कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स हमें बीमारी वाले दिखेंगे। तो हम अगर हमारा आहार खान पान अगर स्वच्छ रखेंगे तो बिल्कुल हम निश्चित रूप से ऐसी व्याधियों से बचे रहेंगे
अन्यथा खान पान अगर सही नहीं रहेगा, संतुलित आहार नहीं रहेगा, बाहर के खाने पीने की चीज़ें में आते रहेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बार बार जाते रहेंगे, कुछ अपन प्रिकॉशंस नहीं लेंगे मास्क वगैरह का, या तो फिर ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहता है। कोई भी व्याधि हो, कोई भी बीमारी हो, तो कहीं ना कहीं अगर निकट कॉन्टैक्ट होगा तो उसके सिम्टम्स या उसके जो इन्फेक्शन है वो सामने वाले की बॉडी में जाना स्वाभाविक है। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें सांस प्रश्वास का आपने बिल्कुल निकट क्लोज एक कॉन्टैक्ट रहता है, तो ये जो वायरस है या इसके अलावा कोई दूसरे भी बैक्टीरियाज है वो उनका आदान प्रदान श्वास के माध्यम से, जैसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस बोलते हैं, जैसे आपने सामने बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं, तो वो जाना ही जाना है। और कई बार कुछ सिक्रेशंस ऐसे होते हैं, चाहे वो सलाइवा का हो, जीभ के सिक्रेशंस हो, होठों पे, तो वो भी उनका भी आदान प्रदान एक दूसरे में होगा तो निश्चित रूप से वो इन्फेक्शंस सामने वाले के बॉडी में जाएगा और वो कंटेजियस कोई भी डिजीज़ होगी वो उससे ग्रसित हो जाएगा उससे। इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। अगर कहीं भी किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स दिखें तो वो अपने पार्टनर से किसी प्रकार का कोई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट ना बनाएं, जहाँ तक संभव हो अपना पहले ट्रीटमेंट कराएं और पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद में ही इस प्रकार की क्रिया में संलग्न हो। जिस किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे हल्का जुकाम खांसी लगातार हो रही है और आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो किसी भी व्यक्ति के संपर्क से वो बचें, एक तरह से अपने आप को वो आइसोलेट करें, ताकि किसी भी जो भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं उसके, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, तो उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या खांसी के स्वास्थ्य या छींक के माध्यम से वो जा न पाए, तो इस प्रकार एक व्यवस्था करें। या अगर कुछ ज़्यादा छींकें आ रही हो तो छींकते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने एक बाह का प्रयोग करते हुए, तो जैसे छींकने का सबसे तरीका बढ़िया है कि सिर्फ केवल ये बाहें कर ले तो बस ये एक जगह थोड़ा सा इन्फेक्ट होगा। कई बार लोग क्या है कि छींकते समय बिल्कुल हाथों को ही ऐसे कर लेते हैं और सारा छींक से जो भी निकलता है सिक्रेशन वगैरह पूरा हाथों पे आता है, उन्हीं हाथों को फिर अपने हैंडशेक के रूप में कभी यूज़ कर लिया, या कुछ ध्यान नहीं रहा एकदम से, हर जगह पानी होता नहीं है और केवल अपन रुमाल से पूछना उतना पर्याप्त होता नहीं है, क्योंकि बड़े माइन्यूट ये वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, तो वह कहीं उन्हीं हाथों से फिर खाना शुरू कर दिया, किसी दूसरे को खिला दिया, तो वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे सही तरीका छींकने का यही है कि अब बाहों का थोड़ा आडा कर ले, उसमें लगा ले उसका